मैं अंशुमन सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने हरला थाना में 31 जनवरी को संतोष कुमार पासवान के ऊपर केस किया था, जो संतोष कुमार बोलता था कि पैसे लेके यहाँ पे लड़कों को खिलाया जाता है, उसके ऊपर मैंने केस किया था। इन्हीं सब सिलसिलों मैंने संतोष कुमार पासवान को 1,90,000 रुपये दिया था और अभी तक उस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई है। हरला थाना में कॉन्टेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि संतोष कुमार पासवान को 3 नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी तक संतोष कुमार पासवान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। अभी तक मतलब वो खुला घूम रहा है, फिर भी उसका अरेस्ट वारंट नहीं निकला है। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोकारो BDCA क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ लोगों ने एक लड़के को हायर किया था जो लखनऊ का रहने वाला है। उसने मेरे से कांटेक्ट किया कॉम्प्रोमाइज़ के लिए और मुझे 48,000 रुपये और एक 35,000 रुपये का चेक दिया था कि इतने पैसे ले लो, केस वापस ले लो, बाकी पैसे जो है तुम्हें केस वापस लेने के बाद मिल जाएगा। और मुझे अपने से टिकट करवा के यहाँ बोकारो लेकर आया था इसी 2 अप्रैल को। और यहाँ आने के बाद मुझे बोला गया कि केस वापस ले लो, बाकी तुम्हें पैसे मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, जो भी मुझे पैसे प्राप्त हुए वो मैं कल जाके SP ऑफिस में और हरला थाना में एक आवेदन के रूप में बता दिया कि सर मुझे इतने पैसे प्राप्त हुए, इस लड़के ने मुझे से बात की और ऐसे ऐसे जो भी था मैंने वो SP ऑफिस में कल जाके आवेदन जमा कर दिया और रिसीविंग मैंने प्राप्त कर लिया और हरला थाना में मैंने वो आवेदन दे दिया। मैं बस यही चाहता हूँ यहाँ के SP सर से, DM सर से और यहाँ के विधायक से कि जितनी जल्दी हो मुझे न्याय मिले। मेरा पैसा 1,90,000 का मेरे पिताजी की मेहनत की कमाई थी और उन्होंने 3,50,000 रुपये मेरे आँखों के सामने भरा था। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं ब्याज की, मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। मुझे जो है मेरे 1,90,000 रुपये दिया जाए, उसमें जो 48,000 रुपये है उससे ज़्यादा मेरा आने जाने का रहने का एक्सपेंस भी लग चुका है। मुझे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो मेरा पैसा दिलवाया जाए, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ और मैं एक जगह जॉब के लिए भी अप्लाई किया हूँ। मैंने 2 जगह और अप्लाई किया था लेकिन वहाँ पर समय पर ना जाने की वजह से मेरी जॉब छूट गई और एक 3री जॉब के लिए मैं अप्लाई किया हूँ, जहाँ पर 12 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मेरा आया था, 12 तारीख को मुझे ज्वाइन करना है। तो जितनी जल्दी हो मैं SP साहब यहाँ के SP बोकारो यहाँ के SP साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो मेरा पैसा मुझे रिफंड कराया जाए और मैं अपने जॉब को जाके ज्वाइन कर सकूँ, क्योंकि कॉल लेटर आ चुका है मेरा और ज्वाइनिंग की टाइम भी उसमें 12 तारीख को है, आज से 5 दिन बाद। तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पैसे मुझे वापस कराया जाए और ये मुझे चेक प्राप्त हुआ था 35,000 रुपये का। सर ये रिक्वेस्ट है, यहाँ की मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी उस वीडियो को वायरल किया जाए और मुझे इंसाफ मिले। थैंक यू सर। मैं अंशुमन सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने हरला थाना में 31 जनवरी को संतोष कुमार पासवान के ऊपर केस किया था, जो संतोष कुमार बोलता था कि पैसे लेके यहाँ पे लड़कों को खिलाया जाता है, उसके ऊपर मैंने केस किया था। इन्हीं सब सिलसिलों मैंने संतोष कुमार पासवान को 1,90,000 रुपये दिया था और अभी तक उस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई है। हरला थाना में कॉन्टेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि संतोष कुमार पासवान को 3 नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी तक संतोष कुमार पासवान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। अभी तक मतलब वो खुला घूम रहा है, फिर भी उसका अरेस्ट वारंट नहीं निकला है। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोकारो BDCA क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ लोगों ने एक लड़के को हायर किया था जो लखनऊ का रहने वाला है। उसने मेरे से कॉन्टेक्ट किया कॉम्प्रोमाइज़ के लिए और मुझे 48,000 रुपये और एक 35,000 रुपये का चेक दिया था कि इतने पैसे ले लो, केस वापस ले लो, बाकी पैसे जो है तुम्हें केस वापस लेने के बाद मिल जाएगा। और मुझे अपने से टिकट करवा के यहाँ बोकारो लेकर आया था इसी 2 अप्रैल को। और यहाँ आने के बाद मुझे बोला गया कि केस वापस ले लो, बाकी तुम्हें पैसे मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, जो भी मुझे पैसे प्राप्त हुए मैं